गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एंड फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव सर। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं, जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हमने कुछ कॉमन टॉपिक अगर बोले या सिंपल टॉपिक्स तो कर चुके हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। एक जो है अहम टॉपिक है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमको करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा टैक्सोनॉमी हायरार्की। हमने टैक्सोनॉमी टर्म पढ़ रखा है कि टैक्सोनॉमी बेसिकली हम लोग क्या करते थे, टैक्सोनॉमी में अगर कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलता था तो सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन करते थे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते थे, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते थे, और फिर बाद में नोमेनक्लेचर करते थे। तो टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में या डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सिंपली अगर एक सिंपल टर्म अगर मैं बोलूं, जब बहुत सा देखिए हो सकता है एक कैटेगरी हो, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, तो बेटा जी एक ही कैटेगरी तो होगी नहीं, देर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी उनके लिए होगी। तो अगर मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो उनको सेम कैटेगरी में रखेंगे, जिन ऑर्गेनिज्म में थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो बेसिक एक टैक्सोनॉमी का जो हायरार्की बनता है, यानी कितने लेवल्स पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टैक्सोनॉमी को प्लेस कर या अलग अलग ऑर्गेनिज्म को किस किस लेवल पे प्लेस कर सकते हैं, वही कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सिंपल सी अगर बात बोलूं, जैसे एक ग्रुप है तो उसको बोल दिया कैटेगरी या रैंक बोल दिया या टैक्सोन बोल दिया, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन बेटा जी कुछ भी मतलब वो नहीं, क्या बोलेंगे, या तो कैटेगरी बोलो या रैंक बोलो या फिर ग्रुप बोलो, कुछ भी। अब जब बहुत सारे ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो सिमिलरली जब बहुत सारे ग्रुप एक साथ आएंगे, सारे ग्रुप्स को जोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखते हैं बेटा जी, जैसे सिंपल सी अगर एक बात बोलूं, जैसे आप अवेयर होंगे, कोई अब आपसे पूछे कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगी, बेटा सबसे छोटी यूनिट जो होती है लाइफ की वो होती है सेल। क्या बोलेंगे कि सेल, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा मान लो बहुत सारी सेल्स मिल गई तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको हम बोलेंगे टिश्यू, ठीक है। नीचे से ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, सबसे छोटी सी यूनिट है सेल। जब बहुत सारी सेल मिली तो क्या बन गया बेटा, टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ आते हैं तो क्या बनता है बेटा जी, ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आते हैं तो क्या बनता है बेटा जी, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ही हमारी क्या बनाता है बेटा, बॉडी। यानी अगर आपसे बोले कि जब सबसे छोटी इकाई है किसकी बेटा, मेरी बॉडी की, मेरे लिविंग होने का सबसे अहम योगदान अगर किसका है तो किसका है बेटा, सेल का। बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स मिल गए तो क्या बना बेटा, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल गए ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना है, पूरा एक मेरी पूरी बॉडी को बनाए हुए है। तो इस मेरी बॉडी के अंदर में अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं है, सबसे छोटी वाली कैटेगरी है सेल, उससे बड़ी वाली होगी टिश्यू, उससे बड़ी होगी ऑर्गन, उससे बड़ा होगा ऑर्गन सिस्टम, और पूरा हमारा बॉडी इसी से बना हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल रखा, कुछ सेल जो कि जिनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक जैसा था पास में आए तो क्या बन गया, टिश्यू। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक जैसा होगा एक साथ आए तो क्या बन गया, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन एक जैसे थे तो उनका कॉम्बिनेशन हो तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह से बेटा जी हमारे जो क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन होगी, सेल, उससे बड़ी कौन होगी,
टिश्यू, उससे बड़ी कौन होगी ऑर्गन, उससे बड़ी कौन होगी ऑर्गन सिस्टम, सबसे बड़ी क्या होगी पूरी बॉडी ही हो गई। यानी अगर हमने ये लिख रखा है कि सबसे छोटी इकाई है सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद आपका पूरा बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए, सीधी बात है ऑर्गेनिज्म। ये बताइए कोई भी अगर पूछेगा कि आपका सबसे छोटा यूनिट क्या है जिससे आप बने हुए हैं, सबसे छोटी यूनिट ये है, इससे बड़ी यूनिट ये है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी ये है कि नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑर्गेनिज्म को इसी तरह से प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग 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 लेवल पे उसको प्लेस करते हैं, ठीक है जी, तो अलग अलग लेवल जो होता है उसको हम या तो कैटेगरी बोल सकते हैं, या तो उसको रैंक बोल सकते हैं, या तो उसको टेक्सा या टेक्सोन बोल सकते हैं। लेकिन बेटा जी जरा ध्यान रखिएगा, जब सारे कैटेगरी को जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे अलग अलग कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी को जोड़ दीजिए, सब कैटेगरी को जब आप जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सिंपली अगर बोलूं, देखिए अगर आपका कोई छत है, वहां आपको चढ़ना है, वहां पर कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, तो आप क्या करोगे, बांस ले आओगे, बांस ले आके पहले नीचे वाली सीढ़ी जोड़ोगे, फिर ऊपर, इस तरह से करते करते बहुत सारे उसमें लैडर लगाओगे, तब आप अपने छत पे चढ़ पाओगे, ठीक है। तो जब पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीढ़ी, ठीक है। और एक एक जो उसमें लैडर लगा हुआ है वो एक एक यूनिट है जिससे आपकी पूरी सीढ़ी बनी हुई है, तो पूरी सीढ़ी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और एक एक जो उसमें लगा होगा, एक एक जो होगा उसको या तो रैंक बोल सकते हो, या फिर टैक्सोन बोल सकते हो, या फिर कैटेगरी बोल सकते हो। तो देखते हैं, देखिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हायरार्की को देने वाले हैं बेटा जी लिनियस। कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था अ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक दे हैव। देखिए सबसे लोअर लेवल पे ये होगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सिक्स्थ पे ये, सेवेंथ पे ये, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है एट 7 डिफरेंट लेवल्स, और हर जो लेवल होता है उसको हम लोग या तो कैटेगरी बोलते हैं, या तो रैंक बोलते हैं, या टैक्सोन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, दैट इज द कैटेगरी। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे ये स्पीसीज, स्पीसीज अगर सिंगल आप बोलेंगे तो स्पीसीज एक क्या होगी, सिंगल कैटेगरी, या इसको रैंक बोल सकते हो, या इसको टैक्सोन बोल सकते हो। लेकिन जब बेटा जी आप यहां से यहां तक स्पीसीज से स्टार्ट करके आप किंगडम तक जाते हो, फ्रॉम स्पीसीज, तो पहले स्पीसीज आया, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जो भी होंगे हम देखेंगे। तो फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम सारे कैटेगरी को जोड़ दीजिए, तो सम ऑफ ऑल द कैटेगरीज, ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की है अंदर में जितनी कैटेगरी है सबको सम टोटल कर दीजिए, तो यही कहलाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहलाएगी बेटा जी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करें बेटा, देखिए अगर आपको कोई बड़ा नेता बनना है, देखिए तो सबसे पहले अगर मान लीजिए स्टेप वाइज जाना है, तो सबसे पहले आप ग्राम प्रधान बनेंगे, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, फिर आप क्या बनेंगे, विधायक बनेंगे, फिर आप क्या बनेंगे, तो उसके बाद सीएम बनेंगे, सीएम के बाद जो होगा आप पीएम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप जो है, ये सारे स्टेप्स मिलके लास्ट में आप क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ है वो क्या करेगी, एक एक कैटेगरी है, प्रधानमंत्री एक कैटेगरी नहीं है, वो अलग सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे छोटी कैटेगरी क्या थी, प्रधान, फिर क्या हुआ जिला पंचायत सदस्य, फिर क्या हुआ विधायक। तो ये एक एक कैटेगरी मिलके आपको क्या बनाया, प्रधान ऑफ अ नेशन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन बनाया।
तो ये जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उनको हम कैटेगरी बोलते हैं, और जब सबको जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिएगा, ईच कैटेगरी, देखिए पहले ये देख लीजिएगा, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज को जोड़ दीजिए। देखिए ये भी एक क्या है बेटा जी, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक रैंक है, ये भी एक टैक्सा या टैक्सोन आप बोल सकते हो। जब सभी कैटेगरीज को जोड़ दीजिए, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक, तो सबको जोड़ देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब देखिए, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवी, यानी हर कैटेगरी एक यूनिट को दिखाती है। जैसे मान लीजिए मुझे छत बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो जैसे ये इस तरह का देखिए, ये एक है, ये दूसरी वॉल है, ठीक है, तो ये एक यूनिट है। अगर मान लो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, दिस इज द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने कितने स्केच पेंस का यूज किया है? एक, दो, तीन, तब जाके आपका ट्रायंगल बना है। ठीक है जी, हर एक चीज क्या होगी, ये 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 क्या होगा बेटा, एक एक यूनिट, यानी कि सिंगल 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 यूनिट मिला है, तो तीन सिंगल यूनिट मिला है, तब जाके आपका ट्रायंगल तैयार हुआ है। तो इसीलिए कह रहा है ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट, हर कैटेगरी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक यूनिट को ऑफ क्लासिफिकेशन, विच रिप्रेजेंट, उसी को हम लोग रैंक भी बोल सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सोन और टैक्सा। तो ध्यान रखिएगा कि बेटा जी, जब कभी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पे प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, देन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे बेटा जी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कंसेप्ट किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब आइए, बेसिकली सेवन ऑब्लिगेट क्या होते हैं, कैटेगरी आर फाउंड इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, जो सबसे लोअर लेवल पे होगी कैटेगरी वो होती है बेटा स्पीसीज। क्या होगी? स्पीसीज। जब बहुत सारे स्पीसीज एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? जीनस। जब बहुत सारे जीनस एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा बेटा? फैमिली। जब बहुत सारी फैमिली एक साथ कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा बेटा? ऑर्डर। जब बहुत सारे ऑर्डर एक साथ कंबाइन होंगे तो बनेगा बेटा क्लास। जब बहुत सारे क्लासेस एक साथ जुड़ेंगे तो या तो बनेगा फाइलम या तो बनेगा डिवीजन। देखिए, फाइलम जो होता है, बेसिकली ये जो फाइलम होता है ये होता है एनिमल्स के लिए। फाइलम किसके लिए होगा? एनिमल्स के लिए। ठीक है, और डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लांट्स को। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमारा क्या है बेटा जी? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके जी, और सबसे ऊपर जो हो जाएगा बेटा जी किंगडम। क्या हो जाएगा? किंगडम। देखिए, जब हम लोग याद करते हैं ये जो कैटेगरी है, ये हायरार्की है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ याद करोगे तो जनरली भूल जाते हैं कि सबसे जो छोटी इकाई होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे छोटी यूनिट होगी या सबसे छोटी कैटेगरी होगी या सबसे छोटा टैक्सोन जो होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, वो होता है बेटा स्पीसीज। जैसे हमने बोला था कि मेरे अंदर में जो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाए थे, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी टैक्सोनॉमिक हायरार्की का वो क्या कहलाएगा बेटा? स्पीसीज। क्या कहलाएगा? स्पीसीज। बहुत सारे स्पीसीज कंबाइन होंगे तो बनेगा बेटा जीनस। बहुत सारे जीनस कंबाइन होंगे तो बनेगी बेटा फैमिली। बहुत सारे फैमिली कंबाइन होंगे तो बनता है ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर कंबाइन होंगे तो बनेगा क्लास। और बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं तो बनेगा क्या? फाइलम या डिवीजन। फाइलम किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए। डिवीजन किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। और जब बहुत सारे फाइलम और डिवीजन मिलेंगे तो किंगडम बनेगा। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इसको सिंपली अगर याद करने के लिए देखिए, हम लोग जैसे मैंने याद किया था तो क्या किया था? अपने से जोड़ा था इसको। ठीक है, स्पीसीज को मैंने बोला था सौरभ। क्या बोला था? सबसे छोटा स्पीसीज। एस फॉर सौरभ, एस फॉर स्पीसीज। देखिए, सपोज करिए कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो सौरभ की गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड
ओके जी, सौरभ की क्या है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो दोनों गए, जब दोनों ने शादी कर ली, जैसे मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मैरिज कर लूं तो मेरी शादी हो जाएगी, तो क्या बनेगा बेटा, फैमिली। तो सौरभ ने अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर ली तो क्या बन गया बेटा जी, फैमिली। अब जैसे फैमिली में तो होता ही है कि बेटा जी कुछ समय बाद खाना खिलाना भी स्टार्ट हो जाता है, हम बाहर लेके जाएंगे। तो सपोज करो कि मैंने अपनी पत्नी को लेके गया हूँ कहीं किसी होटल में, तो मैं क्या दूंगा, ऑर्डर। तो फैमिली जैसे बनी, क्या देना स्टार्ट हो गया, ऑर्डर। क्या देना स्टार्ट हो गया बेटा जी, ऑर्डर। तो बेटा जी ऑर्डर मैंने किस चीज़ का दिया, जैसे मान लीजिए बेसिकली अगर जब शादी हो जाती है तो बच्चों का ऑर्डर दे देंगे, क्या दे देंगे, बच्चों का ऑर्डर दे देंगे। तो ऑर्डर तो दिया बच्चों का, ठीक है, जैसे होता है ना कि शादी हो गई, ऑर्डर किसका दोगे, अब बच्चे होने चाहिए, यानी कि अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करना है, तो मैंने ऑर्डर दे दिया। अब बच्चा हुआ, बर्थ हुई, फिर मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको मैं कहाँ भेजूंगा, क्लास में, कहाँ भेजूंगा, क्लास में। तो ऑर्डर के बाद में क्या आएगा बेटा, क्लास, क्या आएगा, क्लास। तो सौरभ सर ने गर्लफ्रेंड से क्या की, शादी, शादी करने के बाद क्या बन गई, फैमिली। फैमिली हुआ तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसका दिया, बच्चों का, तो बच्चे कहाँ गए, क्लास में। और क्लास में गए तो हो सकता है ना, क्लास में गया मेरा बच्चा, ए सेक्शन में है, बी सेक्शन में है, सी सेक्शन में है, डी सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो उसका क्या हुआ बेटा, क्लास के बाद उसका क्या होने लगा, बच्चे का क्या है, डिसाइड होने लगा, डिवीजन, क्या होगा बेटा, डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, ओके जी। और बाद में मेरा बच्चा, जिस जिस जो मेरा बच्चा है उसका नाम मैंने रखा है राजा, तो क्या होगा बेटा जी, वो बन गया किंग, बन गया, क्या बन गया, किंग। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, सबसे नीचे सौरभ है, एस फॉर सौरभ, एस फॉर स्पीसीज, जी फॉर गर्लफ्रेंड, सो जी से जीनस, एफ से फैमिली ही है, ऑर्डर से ऑर्डर ही दे रखा है, कहाँ भेजा, क्लास में, फिर क्या भेजा, फाइलम और डिवीजन, और देख लीजिए लास्ट में मैंने अपने बच्चे को किंग बना दिया, तो क्या बन गया बेटा, किंगडम, क्या बन गया, किंगडम। सो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो एक और ट्रिक है, जैसे ऊपर से नीचे तक याद करने के लिए, ये तो स्पीसीज से ऊपर की तरफ याद करने के लिए, अगर आपको कहाँ से, किंगडम से स्पीसीज की तरफ अगर आप याद करना चाहते हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखिए एक और ट्रिक है, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में बच्चा है, कोई किड है, उसको कोई खिलौना नहीं पसंद आया, तो उसने क्या किया, खिलौना लिया और ले जाके आग पर, नहीं नहीं मैं इसको जलाऊंगा, मैं इसको खत्म करूंगा, मुझे नहीं चाहिए खिलौना, आई डोंट लाइक दिस, ओके। तो गया और उसने क्या किया, स्टोव जला के उसके ऊपर अपने खिलौने को रख दिया, राम नाम सत कर दिया उसका। तो उसी से ट्रिक बनाई गई है, किड्स, किड्स ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, किड्स पुट, और ये खिलौना बेसिकली किसका है, जैसे उसने मांगा था कुत्ते वाला खिलौना चाहिए मुझे, तुमने क्या ला के दे दिया, कैट वाला दे दिया, तो उसने कैट का जो खिलौना था उसको ले जाके एकदम आग में झुलसा दिया भैया। किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, इसको ऊपर से नीचे तक याद किया है। के फॉर क्या होगा बेटा, सबसे ऊपर जो होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की का, किंगडम। पी फॉर क्या होगा, फाइलम। सी फॉर क्लास। ओ फॉर ऑर्डर। एफ फॉर फैमिली। जी फॉर जीनस। एस फॉर स्टोव, नहीं स्पीसीज। देखिए आप ऊपर से नीचे की तरफ भी इसको याद कर सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी याद कर सकते हैं, नीचे से ऊपर। देखिए जो भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है उसका जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगा, लोवेस्ट रैंक होगा, लोवेस्ट टैक्सा होगा, उसको बोलते हैं स्पीसीज। क्या बोलेंगे बेटा जी, स्पीसीज। जब बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगे तो बनेगा जीनस, बहुत सारी जीनस मिलेंगे तो फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलेंगी तो ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे क्लास, बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे तो फाइलम और डिवीजन। फाइलम याद रखिएगा प्लांट्स के लिए, डिवीजन सॉरी फाइलम एनिमल्स के लिए, एंड डिवीजन प्लांट्स के लिए। जल्दी से बोल दिया,
एंड लास्ट में क्या होगा बेटा, किंगडम। तो मैंने बोला कि जब आपको नीचे से ऊपर याद करना होगा तो उसके लिए ट्रिक है, सौरभ, सौरभ की कौन है गर्लफ्रेंड, दोनों मिले तो क्या बन गई फैमिली, दोनों ने ऑर्डर दिया किसका, बच्चों का, बच्चे कहाँ गए क्लास में, क्लास में गया तो क्या आया डिवीजन आएगा ना क्लास में, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, कोई भी डिवीजन आएगा। और मेरे बच्चे का नाम मान लो फर्स्ट डिवीजन आ गया, ठीक है, मैंने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया किंग, किंग ऑफ द क्लास, ओके। तो आप नीचे से ऊपर की तरह ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी जो ट्रिक है, आप ऊपर से नीचे तक अगर याद करना चाहते हो तो ये लिख लीजिए, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, ओके, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है जी, सुनिएगा, सुनिएगा, जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, क्या मैंने बोला, जब आप मूव करेंगे स्पीसीज से किंगडम की तरफ, ठीक है, सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, देन सिमिलर कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, सिमिलर कैरेक्टर्स जो होंगे वो डिक्रीज होने लगेंगे। जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो सिमिलैरिटी घटती है, डिसिमिलैरिटी बढ़ेगी, कैसे, जैसे सुनिएगा, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप पढ़ेंगे पैंथेरा टिग्रिस, ये साइंटिफिक नेम है टाइगर का, पैंथेरा पार्डस, ये साइंटिफिक नेम है लियोपर्ड का, और पैंथेरा लियो ये साइंटिफिक नेम है लायन का, ठीक है। तो अगर पैंथेरा के साथ में टिग्रिस लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है टाइगर को, पैंथेरा के साथ पार्डस लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है लियोपर्ड स्पीसीज को, पैंथेरा लियो लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है लायन को। सुनिएगा, कभी भी जो साइंटिफिक नेम होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसमें जो पहला वाला जो चीज होती है, ये जो दिख रहा है इसको हम, ये जो डिनोट करता है किसी भी, इसको बेटा स्पीसीज नेम को, और जो ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये, दिस इज द सेकंड लेटर, ये सेकंड लेटर है, पहला लेटर जो होगा ये रिप्रेजेंट करता है बेटा जीनस को, इसको रिप्रेजेंट करेगा जीनस को। तो अगर मैं बोलूं दो टाइगर है, क्या बेटा जी, दो टाइगर, जब आप दो टाइगर को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज द पैंथेरा टिग्रिस, तो जो टिग्रिस वाली स्पीसीज होंगी, ध्यान से सुनिएगा, टिग्रिस की जो स्पीसीज होंगी, टिग्रिस स्पीसीज के अंदर में जो भी आएंगे उनका कैरेक्टर्स क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन जैसे ही आप जीनस में गए, जीनस कौन होगा पैंथेरा, उस पैंथेरा में कितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ गए, टिग्रिस, लियोपर्ड और पार्डस, तीन अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ गए। जैसे दो टाइगर को आप देखोगे तो उनका कैरेक्टर्स आपस में काफी मिलता जुलता होगा, तो टिग्रिस वाला जो टाइगर होगा वो टाइगर से मिलता जुलता होगा। लेकिन जैसे ही हम स्पीसीज से ऊपर गए, देखिए ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, टिग्रिस टाइगर की स्पीसीज को बोलते हैं, पार्डस लियोपर्ड की स्पीसीज को बोलते हैं, लियो लायन की स्पीसीज को बोलते हैं, तो तीन अलग अलग स्पीसीज हो गई, एक दो तीन, ठीक है जी। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई तेज दौड़ता होगा, कोई के, सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप स्पीसीज के बाद जीनस पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे जीनस, तो इन सबका जीनस क्या है, देखिए पैंथेरा जीनस है,
इसी में तीन हो गए। अगर टिग्रिस है स्पीसीज उसको बोल दिया टाइगर, फिर अगर बोले लियो तो लायन, पार्डस तो क्या बोल दिया लियोपार्ड। अब जब आप देखेंगे कि बेटा जी टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लियो एक अलग स्पीसीज है, पार्डस एक अलग स्पीसीज है, लेकिन अगर जब आप देखेंगे तीनों जो है एक सेम कैटेगरी में पाए जा रहे हैं, वो कैटेगरी का नाम क्या है, सेम जीनस में पाए जा रहे हैं, जो कि है पैंथेरा। तो आप बताइए पैंथेरा के अंदर में कितने ऑर्गेनिज्म है, तो बोलेंगे सर पैंथेरा के अंदर में एक दो तीन, तीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। और अगर मैं बोलूं टिग्रिस स्पीसीज है उसमें कितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, सर टिग्रिस वहां तो एक ही है। यानी बेटा जी जैसे ही आप ऊपर गए कॉमन कैरेक्टर्स क्या होने लगता है, घटने लगेगा। देखिए मैं था टिग्रिस था, आप भी टाइगर है मैं भी टाइगर है, हम दोनों का कैरेक्टर्स काफी मिलता जुलता है, लेकिन जैसे हम क्या हुआ बेटा थोड़ा ऊपर गए जीनस के लेवल पे गए, तो पैंथरा जो कि मेरा भी जीनस है तुम्हारा भी जीनस है, ये पैंथरा किसी और का भी जीनस है, किसका, लायन का भी, लियोपर्ड का भी, हम लोग टाइगर हैं। तो बेटा जी जैसे ऊपर जा रहे हैं कुछ और भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो कि मेरी तरफ नहीं है, हम और आपकी तरफ नहीं, हम दोनों टाइगर हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर गए स्पीसीज क्या हो गई, बढ़ी, स्पीसीज बढ़ी तो डिसिमिलरिटीज क्या हुआ, बड़ा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, जैसे आप भी सेपियन हैं मैं भी सेपियन हूँ, तो ये बताइए आपका कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर काफी मिलता जुलता होगा, तो हमारी और आपकी स्पीसीज कौन है, सेपियन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, सेपियन स्पीसीज। लेकिन जैसे तो सेपियन स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर लिख लेते हैं। देखिए आपके अंदर में भी फोर चेम्बर्ड हार्ट है, मेरे अंदर में भी है, ठीक है, कुछ और लिख लीजिए, मेरे अंदर में फोर लिम्ब है, आप में भी फोर लिम्ब है, एक्सटर्नल ईयर पिना है, ये सारी चीजें हैं। तो आप जैसा मेरे अंदर में सेल डिवीजन होगा वैसा ही आप में ही होगा, जैसा मेरा चेहरा जैसा दिख रहा है आपका भी वैसा, मतलब हूबहू नहीं लेकिन एक ही स्ट्रक्चर जैसा होगा, ऐसा नहीं कि मैं बनमानुष बन जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं, एक ही जैसे हम दिखेंगे, यानी हमारे और आप में। अब मान लीजिए मुझे कंपेयर किया जा रहा किसी कुत्ते से, ठीक है जी, कुत्ता क्या बेटा जी एक मैमल है, मैं भी एक मैमल हूँ, तो मेरा कैरेक्टर्स आपसे ज्यादा मिलता जुलता होगा कि कुत्ते से, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली हमारा और आपका कैरेक्टर ज्यादा मिलता जुलता होगा। तो देखिए जब हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, तो देखिए ये स्पीसीज थी सेपियन, एक क्या बेटा जी स्पीसीज, जब आप ऊपर जाओगे क्लास मेमेलिया, जब आप गए मेमेलिया में, मेमेलिया में क्या बेटा जी डॉग भी होगा, कैट भी होगा, लायन भी होगा, टाइगर भी होगा, और हम भी होंगे ह्यूमन बीइंग। देखिए क्लास मेमेलिया हम स्पीसीज पे थे, कहां पे थे स्पीसीज, अब सीधे कहां चले गए क्लास मेमेलिया पे चले गए। तो बेटा जी जब आप सेपियंस थे तो हम और आप एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हम क्लास के बाद सॉरी स्पीसीज के बाद क्या आया होगा जीनस, जीनस के बाद क्या आया होगा फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर आया होगा, ऑर्डर के बाद क्या हो गया क्लास, तो हम सीधे देख रहे हैं क्लास मेमेलिया। जब आप देखोगे क्लास मेमेलिया हम स्पीसीज आप और हम एक ही स्पीसीज के थे, कैरेक्टर ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन धीरे 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 जब मैं क्लास पे गया क्लास के लेवल पे गया, यानी धीरे 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 मैं एबव गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ गया, तो मेमेलिया क्लास आया। मेमेलिया क्लास में मैं देख रहा हूँ कि मैं भी हूँ और बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, टाइगर डॉग कैट लायन ह्यूमन बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। यानी बेटा जी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डिसिमिलरिटीज क्या हो रही है बढ़ रही है, और सिमिलरिटीज क्या हो रही है घटती जा रही है। ये बताओ मैं लायन से सिमिलर रहूंगा क्या, नहीं। मैं क्या कैट की तरह दिखता हूँ क्या, नहीं। मैं क्या डॉग की तरह दिखूंगा क्या, नहीं। मैं क्या टाइगर की तरह दिखूंगा क्या, नहीं। लेकिन इसका मतलब कि बेटा जैसे जैसे आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो कुछ कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं बेटा, सिमिलर कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं और डिससिमिलर वाले साथ साथ आते जा रहे हैं, ठीक है जी।
डिसिमिलर वाले, लायन कैट डॉग टाइगर डिसिमिलर है हमसे, और वो साथ साथ आके कंबाइन होते जा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, जब आप जाओगे नीचे से ऊपर की तरफ, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, तो कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलरिटीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हम ज्यादा सिमिलर सेपियंस होंगे, ना कि डॉग से कैट से, इन सब से। क्लियर है जी? तो इस बात को लिखिएगा, जब आप व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द सिमिलर कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। या अगर आप बोलेंगे सिमिलरिटी क्या होगी, डिक्रीजेज। ओके, फिर आप उल्टा कर लीजिए, जब आप बेटा जी किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, तो सपोज कर लीजिए आप मैमल्स की, मैमल्स क्लास मैमल में है, ठीक है जी। तो क्लास मैमल में है तो वहां पे कैट डॉग कुत्ता बिल्ली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप स्पीसीज लेवल पे आओगे तो एक ही स्पीसीज होगी मेरी, वो होगी सेपियन। डॉग का कोई और स्पीसीज होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। फेलिस कैटस अलग अलग हो सकती हैं स्पीसीज उनकी, ठीक है। लेकिन मेरा जो जीनस है होमो होगा, और स्पीसीज क्या होगी, सेपियन। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या होगा बेटा, जब किंगडम, अब अगर बात कर लो किंगडम, किंगडम में तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका प्रोटोजोआ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारे आ जाएंगे एनिमल्स में। लेकिन अब आप नीचे आ जाइए, फाइलम, फाइलम में आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा बहुत सारी आ जाएंगे। फिर आ जाइए क्लासेस में, मैमेलिया तो थोड़ा बहुत कम हुआ, फिर आ जाइए ऑर्डर, फिर आ जाइए फैमिली, फिर आ जाइए जीनस, सबसे नीचे आ जाइए स्पीसीज। तो मेरी स्पीसीज भी सेपियन है, आपकी स्पीसीज भी सेपियन है, तो बताइए सिमिलरिटी ज़्यादा हुई कि कम होगी हमारे और आपके बीच में? ऑब्वियसली सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ऊपर थे तो वहाँ पे बहुत ही कम कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, तो भी एक साथ रख दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप ऊपर से नीचे, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, तो क्या होगा बेटा जी, सिमिलरिटी इंक्रीजेस, तब कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। आप इतना याद रख लीजिएगा, स्पीसीज लेवल पे सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है, और जैसे आप जीनस पे जाएंगे सिमिलरिटी कम होगी, फैमिली पे जाएंगे और सिमिलरिटी कम होगी, ऑर्डर पे जाएंगे और सिमिलरिटी कम होगी, क्लास पे जाएंगे और सिमिलरिटीज कम होंगी, कि फाइलम पे जाएंगे और सिमिलरिटीज कम होंगी, किंगडम पे जाएंगे बहुत ही ज्यादा से डिसिमिलर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, सिमिलरिटीज धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और जब आप यहाँ से किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, तो सिमिलरिटीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नोट डाउन कर लेंगे इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो दे रखी है ह्यूमंस की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। जब बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे तो क्या बनेगा, जीनस। बहुत सारे जीनस मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, फैमिली। बहुत सारी फैमिली मिलेंगी तो क्या बनेगा बेटा जी, ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, क्लास। और चूंकि हम लोग किसमें आते हैं, एनिमल में आते हैं कि प्लांट में, तो आप बोलोगे सर एनिमल, मैंने बोला था कि एनिमल के लिए क्या होगा, तो एनिमल के लिए होगा बेटा फाइलम। क्या होगा, फाइलम। और अगर प्लांट रहता तो डिवीजन लिखते हैं, और लास्ट में क्या हो जाएगा, किंगडम। क्या हो जाएगा बेटा जी, किंगडम। तो देखिए, हम जो है वो जो हमारा स्पीसीज होता है, या हम जो स्पीसीज के अंदर में आते हैं, दैट इज सेपियन स्पीसीज। तो सबसे छोटी इकाई वो होगी सेपियंस, और हमारा जो जीनस होगा वो होगा बेटा जी होमो। फैमिली, किस फैमिली में हम आते हैं, होमिनिडी। होमिनिडी कौन से ऑर्डर में आते हैं, प्राइमेट्स, ठीक है जी। कौन सी क्लास में आते हैं, तो अभी कुछ देर पहले बताया था क्लास, मैमेलिया। कौन से फाइलम में आएंगे, फाइलम कोर्डेटा। और कौन से किंगडम आएंगे, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनी
मेमेलिया. सो दिस इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट ह्यूमन बीइंग और होमो सेपियन. देखिए स्पीसीज सबसे नीचे दैट इज द सेपियन, जीनस दैट इज होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट्स, क्लास मेमेलिया, फाइलम कोडेटा, किंगडम एनिमेलिया. आपको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी भैया मेरा नाम है सौरभ, फिर क्या बनेगी उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों शादी कर ली है तो क्या बन गई बेटा जी, मेरी बन गई फैमिली, फैमिली बन गई तो मैंने क्या दिया ऑर्डर, ऑर्डर दिया किसका बच्चों का, बच्चे कहाँ जाएंगे क्लास में, क्लास में जाके फाइलम और डिवीजन, डिवीजन खेलेंगे, डिवीजन या फाइलम खेलेंगे, और लास्ट में मेरा बच्चा पहला आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया तो उसको मैंने बोल दिया किंग. क्या बोल दिया किंग. सो इस तरह से आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ द ह्यूमन बींग्स. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा बेटा जी नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो क्यों नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है ये बताएंगे. पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए दोस्तों अब देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब ही होता है बेटा नाम देना, सीधी सी बात है कि किसी को नाम देना. लेकिन बेटा जी जैसे मान लीजिए मैं अपनी ही बात कर लेता हूं, देखिए मेरा अलग अलग नाम है सपोज करिए, जो आपका भी होगा, आपके घर का नाम गोलू मोलू सीता रीता गीता कुछ होगा, लेकिन एक नाम जो होगा जो आपका स्कूल में होगा वैष्णवी ये और या फिर रीटा रेटू कुछ भी होगा, कुछ भी कैसा भी नाम चल सकता है अभिषेक कुछ भी होगा. यानी अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं ही ऑर्गेनिज्म हूँ आप भी एक ऑर्गेनिज्म हैं, आपके कितने नेम हो गए, एक घर का नाम हो गया, एक मान लो कहाँ का स्कूल का नाम हो गया. जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो देखिए मुझे मेरे गाँव के लोग जो होते हैं, गाँव के लोग होते हैं ना गाँव वाले जो मुझे बचपन से जानते हैं, ठीक है, तो वो मुझे पोंगल के नाम से जानते हैं. किस नाम से, पोंगल के नाम से, ठीक. लेकिन जो मेरा स्कूल का नेम है वो क्या बेटा जी सौरभ, और मेरे फूफा जी हैं वो जब आते हैं घर पे तो मुझे गोलू बोलते हैं, फिर मेरे एक सबसे बड़े पापा जी हैं वो मुझे क्या बोलते हैं सुंदरम बोलते हैं, पता नहीं. अब ये बताओ बेटा मेरा नाम क्या क्या हो गया, पोंगल हो गया, सौरभ हो गया, सुंदरम हो गया, गोलू हो गया, जिसको जैसा लगा उसने वैसा नाम रख दिया. अब ये बताइए जैसे मैं सपोज करिए कि मैं गांव जाता हूँ, गांव में ठीक है सपोज कर लो काफ़ी इज्जत है मेरी, ठीक है, एक बार मैंने बोला अपने दोस्तों को कि चलो यार आज गांव घुमा के लाता हूँ, तो मैं उनके साथ गांव निकल गया, ठीक है, गया वहाँ पे, ठीक है, मैंने तो मेरे दोस्त जो स्कूल वाले फ्रेंड्स हैं वो मुझे किस नाम से जानते होंगे, सौरभ के नाम से, ठीक है, मैंने कभी उनको अपना लोकल नेम नहीं बताया, ठीक है. जब वो गांव पे गए तो गांव पे जैसे ही एंट्री मारी एक चचे मिल गए हमारे, चचा उनको नमस्कार किया, ठीक है, नमस्ते चचा, तो उन्होंने सीधे से और पोंगल क्या हालचाल है, तो बताइए जो जितनी तुम्हारी क्या बनी थी इज्जत बनी हुई थी सारी मिट्टी में मिला दी उन्होंने. क्या किया उन्होंने, जैसे ही वर्ड बोला पोंगल वो लोग क्या है, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो तो मुझे सौरभ के नाम से जानते हैं, वो नहीं जानते हैं. मैंने बोला कि अरे यार मेरे गांव का नाम है, और उससे उसके बाद से वो सब मुझे चिढ़ाने लगे कि पोंगल पोंगल. तो आप ये खुद सोचिए अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा हो सकता है कि उसको यूपी में कुछ और कहा जाता हो सकता है हरियाणा में कुछ और कहा जाता हो सकता है किसी वर्ल्ड में कुछ और कहा जाता हो. अब ये बताइए ऑर्गेनिज्म एक ही है, ऑर्गेनिज्म तो सौरभ ही है, मेरा गोलू सुंदरम सौरभ और पोंगल चार नेम हो गए. अब कोई बाहर से आया तो बेटा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये चारों अलग अलग हैं कि चारों सेम हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो बेटा जी अगर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम होगा अलग अलग रीजन में, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम हो जाएगा इंडिया के अंदर में. फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं यूपी में एक पेड़ है मदार, जिसको बोलते हैं मदार का पेड़, किसका बोलते हैं यूपी में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हम लोग एक पेड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं मदार. इस मदार को हरियाणा में
बोला जाता है बेटा जी अक, ए ए ओ के, अक डबल ए के बोल लीजिए या ए ओ के, अक का पेड़ बोला जाता है, ठीक है। और इसी पेड़ को विदेशों में, सो इन अदर रीजन्स, इसी पेड़ को कैलोट्रोपिस भी बोला जाता है, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। अब ये बताइए, पेड़ तो एक ही है, मदार कह रहे हैं कहीं पे, अग कह रहे हैं कहीं पे, कैलोट्रोपिस कर रहे हैं, तो बेटा जी कंफ्यूजन हो जाएगा माइंड में, अरे यार ये है क्या, आखिर में है क्या। तो बेटा इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए कैरोलस लिनियस भाई साहब ने एक रास्ता दिखाया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं एक रास्ता, ठीक है। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको हमें एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना होगा जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। बाकी सारे लोकल नेम्स को उन्होंने, वर्नाकुलर नेम्स को क्या किया, हटा दिया, कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको लोकल नेम से, पहले लोकल नेम से करेंगे तो कहीं कुछ और कहा गया, कहीं कुछ और कहा गया, कहीं कुछ और, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कार्लस लिनियस ने क्या किया बेटा, टू किंगडम या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया उन्होंने, ठीक है। तो पूरी तरह से उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको एक ही नाम से जाना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने क्या दिया, उनका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दे दिया, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे पूरे वर्ल्ड में उसी साइंटिफिक नेम के द्वारा जाने जाएंगे, ठीक है। तो किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। जानते बेटा जी एक सरप्राइजिंग बात मैं बताता हूँ, जो ये कैरोलस लिनियस कर रहे हैं ना, इनका नाम कैरोलस लिनियस नहीं था, इनका एक्चुअल में जो नाम था, जरा सुनिएगा, ये लिख सकते हैं कि मदार हरियाणा में अक, ए ओके अक, अदर रीजन में इज नोन एज द कैलोट्रोपिस, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो यूपी में मदार बोल दिया, हरियाणा में अक डबल ए के, अदर रीजन में कैलोट्रोपिस बोल दिया। आपको मैं बता रहा था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जानते हैं जो आप कैरोलस लिनियस कर रहे हो ना, इनका नाम कैरोलस लिनियस नहीं था, सुनिएगा, इनका नाम था कार्ल वॉन लिने। क्या नाम था, कार्ल वॉन लिने। एक दो तीन वर्ड थे इनके में बेटा। जब इन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया ना, इन्होंने अपना नाम भी दो वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, कैरोलस लिनियस, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपना नाम भी क्या कर दिया, बाइनोमियल कर दिया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, पहले नाम था कार्ल वॉन लेनी, बाद में उन्होंने कहीं पूछेगा नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दिस क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन नेमिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, सो तो इसीलिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, साइंटिफिक नेम इज नीडेड विच इज सेम इन ऑल लैंग्वेजेस, या किसी भी कंट्रीज में उसी के द्वारा जाना जाएगा। तो एक नोमेनक्लेचर दिया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ध्यान रखिएगा कौन सा नोमेनक्लेचर दिया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवेन बाई कैरोलस लिनियस, दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, नेमिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर था क्या, तो देखिएगा, जितना भी बायोलॉजिकल नेम होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, जितना भी साइंटिफिक नेम होगा या बायोलॉजिकल नेम होगा उसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम, ठीक है। इसीलिए कितने कंपोनेंट्स हो गए, दो, एक हो गया जेनेरिक नेम और द जीनस नेम, इसको जेनेरिक नेम या फिर जीनस नेम भी बोल सकते हो, ओके, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम। तो कितने कंपोनेंट हो गए, दो, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे मान लीजिए मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होगा या बायोलॉजिकल नेम होगा, जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो होगा बेटा जी मैंगी फेरा इंडिका। क्या
क्या कहलाएगा? मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो वेयर इंडिका इज स्पीसीज नेम। तो जो साइंटिफिक नेम होगा या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा उसके अंदर में जो पीछे की तरफ होता है वो स्पीसीज कहलाता है और जो आगे की तरफ होता है वो कहलाता है बेटा जीनस नेम। क्या कहलाएगा? जीनस। तो मैंगी फेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीसीज। सो कितने कंपोनेंट हो गए? एक और एक दो, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर को, उसको पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे इसको। चलिए बेटा जी, अब देखते हैं कुछ यूनिवर्सल रूल्स, यानी कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं फॉर गिविंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू एनी ऑफ द स्पीसीज। कोई भी जो लिविंग स्पीसीज है जिसको आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना चाहते हैं उसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रहे होंगे तब। देखिए, जो सबसे पहला रूल है वो क्या कहता है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो जनरली किस लैंग्वेज में लिए जाते हैं या किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वो होता है बेटा लैटिन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। और हमेशा आप राइट करोगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इनटू इटैलिक्स में, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी बायोलॉजिकल नेम्स को आप लेंगे तो बायोलॉजिकल नेम्स कहाँ से, किस लैंग्वेज से लिया जाएगा, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा। और हमेशा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इटैलिक्स में लिखेंगे। देखिए, कभी कभार आप कंप्यूटर में जब आप फंट चूज करते इटैलिक्स तो चीजें कुछ इस तरह से लिखने लगता है, इस तरह से कुछ टेढ़ी टेढ़ी चीजें लिखने लगता है इस तरह से, जनरली ITALICS इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? जनरली इटैलिक्स। ओके, तो आपको पहला ध्यान रखना होगा कि जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा या बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो जनरली किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और हमेशा आप किस इटैलिक्स में लिखोगे? फंट में तो लिखेंगे रिटन इन इटैलिक्स। किसमें लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे, ठीक है? फिर जब आपका बात आएगा कि जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैंगो का मैंने लिखा था साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका, ध्यान से सुनिएगा। तो जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा, ये जो पहला वर्ड होगा ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा जीनस को, और जो दूसरा वर्ड होगा ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला यही कह रहा है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस। पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस। व्हाइल द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर है जी? नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। पहला जो होता है उसको हम लोग जीनस या जेनेरिक नेम बोलते हैं, दूसरा जो होगा उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है जरा देखिएगा, फर्स्ट लेटर कह रहा है, फर्स्ट लेटर डिनोटिंग जीनस, यानी जीनस का जो पहला लेटर होगा, जीनस का जो पहला लेटर होगा, देखिए यह है जीनस, जीनस का जो पहला लेटर है, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा, जीनस का जो पहला लेटर होगा हमेशा जो होगा कैपिटल लेटर में होगा। किस लेटर में होगा जी? द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ये लिखा है, द फर्स्ट लेटर डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो जीनस होगा उसका पहला वर्ड स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। अब आ जाइए हम देखते हैं दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम को। इसमें अगर आप देखोगे इसका जो पहला वर्ड है इंडिका, आई, आई क्या बेटा? स्मॉल, यानी स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होगा। सो द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? स्मॉल लेटर के साथ में स्टार्ट होगा। ध्यान रख लीजिएगा, जीनस का जो पहला लेटर होगा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा,
और स्पेसिफिक एपिथेल का जो पहला लेटर होगा हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर जो चौथा कह रहा है, जब आप बायोलॉजिकल नेम को क्या करोगे, हैंड रिटन करोगे। जैसे मान लो आपसे पूछा कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो या राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, तो पैंथ्रा लियो लिखोगे ना, तो जब आप कॉपी पे लिखोगे ना तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, या अगर आप जब कंप्यूटर में लिखोगे तो उसमें फंड चूज करना पड़ेगा इटैलिक्स। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन से हुआ है। तो जब आप हैंड रिटन लिख रहे हो यानी कॉपी पे लिख रहे हो, मान लो मैंने लिख दिया पैंथेरा लियो, कॉपी पे लिख के ऐसे ही छोड़ दिया, ये साइंटिफिक नेम है बेटा जी लायन का, मान लीजिए ऐसे ही छोड़ दिया, तो बेटा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, सेपरेटली इसको भी अंडरलाइन करेंगे और इसको भी अंडरलाइन करेंगे, इन ऑर्डर टू क्या दिखाने के लिए, ताकि इनका ओरिजिन किस में हुआ है, लैटिन में हुआ है। नोट डाउन कर लेंगे। अब एक और नियम रूल एंड रेगुलेशन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो लास्ट है, देखिए अगर मान लीजिए किसी ऑथर का नाम दिया है, ऑथर का मतलब जिसने डिस्कवरी की उसके ऑथर का कि लिखा किसने है, तो बेटा जो ऑथर का नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में जोड़ोगे, या हम सीधे सीधे बोले बायोलॉजिकल नेम के एंड में जोड़ेंगे, और उसको हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। फिर से सुनिएगा, जब कभी भी ऑथर का नाम लिखना होगा तो हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखेंगे, और हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, फुल नेम नहीं लिखते हैं। जैसे तो पांचवा लिख लीजिएगा, नेम ऑफ ऑथर इज रिटेन सबसे बाद में, इज रिटेन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम के बाद में, और एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, एकदम बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखेंगे, एंड रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। एब्रिविएटेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ABBREVIATED, एब्रीविएटेड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। पूरा नाम हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा नाम का हिस्सा लिखेंगे, पूरा नाम हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मैंगी फेरा इंडिका यानी कि मैंगो की डिस्कवरी मान लो लिनियस ने की है, तो पहले आप लिखोगे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है पहले उसको लिख लो, इसका जीनस क्या है बेटा जी, मैंगी फेरा, ओके भैया इसका स्पीसीज नेम क्या है, इंडिका। तो आपने बायनोमियल नेम लिख लिया या बायोलॉजिकल नेम लिख लिया, हैंड से लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब जब पता चला कि इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे लिनियस, लिनियस इसके ऑथर है, तो बेटा जी आप बस शॉर्ट में लिख देंगे LINN, लिन, ओके जी, शॉर्ट में आप लिख देंगे लिन, बस काम खत्म। तो ये चीज क्या दिखलाएगा कि मैंगी फेरा इंडिका की डिस्कवरी किसने की थी या किसने डिस्क्राइब किया था, तो लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, तो इसको भी लिख लीजिएगा। What does it indicates? Linnaeus वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? It indicates that this species was, पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, was firstly described by Linnaeus, okay? तो दीज आर द बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर नॉमन क्लेचर।
ठीक है, नॉमनक्लेचर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक ही प्लांट्स को, एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन से बचने के लिए बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, साइंटिफिक नॉमनक्लेचर दिया कैरोलस लिनियस ने, तो थैंक्स टू कैरोलस लिनियस। फिर उन्होंने बोला कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम होगा उसमें दो कंपोनेंट होगा, पहला स्पेसिफिक, सॉरी पहला जेनेरिक नेम, जीनस नेम, दूसरा स्पीसीज, और इस बेसिकली वही स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है जी। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। पहला जैसे कि हमने पढ़ा सिंपल सा कि हमेशा बायोलॉजिकल नेम जो होगा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा, और हमेशा इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा जाएगा। दूसरा मैंने बोला कि जब कभी भी बायोलॉजिकल नेम आप लिखेंगे उसमें जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को दिखाएगा, दूसरा वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को दिखाएगा या स्पीसीज नेम को दिखाएगा। जो तीसरा हमने पढ़ा रूल कि जो पहला लेटर होगा क्या होगा, पहला लेटर जो होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, और जो पहला लेटर होगा स्पीसीज एपिथेट का वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर अगर मान लीजिए, चौथा हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए आपने किसी कॉपी में हैंड रिटन लिखा है बायोलॉजिकल नेम को, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप यूनिवर्सल रो को फॉलो नहीं कर रहे हो। और पांचवा हमने बोला कि बेटा जी अगर मान लीजिए कभी ऑथर का नाम लिखना है तो आप कब लिखोगे, मैंगीफेरा इंडिका यानी पूरा किसके बाद लिख रहे हो, इंडिका इज द स्पीसीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिख रहे हो, या पूरे इसको पूरे को क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के बाद में लिख रहे हो, या तो बोल सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिख रहे हो, भैया ये इंडिका है क्या, स्पेसिफिक एपिथेट ही तो है, ये क्या है, जीनस नेम, ठीक है। तो दोनों को मिला के बायोलॉजिकल, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल नेम। तो देखिए ये जो ऑथर का नाम लिखा है किसके बाद लिखा है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा है, या फिर यहां से यहां तक पूरा क्या, बायोलॉजिकल नेम, एकदम बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखा है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, पूरे फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे कि मैंगीफेरा लिन, लिन का मतलब पहली बार इसको डिस्क्राइब किसने किया था, लिनियस ने किया था। तो हमेशा नेम ऑफ ऑथर लिखोगे स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में, या फिर बायोलॉजिकल नेम के एंड में, और हमेशा एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा, शॉर्ट फॉर्म में। सो दिस इज द बेसिक लेक्चर बेटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।